मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत निशुल्क विकासखंड स्तरीय मेले का आयोजन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। विकासखंड स्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य मेले में इंदौर और खरगोन के मेडिकल चिकित्सकों ने हृदय रोग, कैंसर, सर्जिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, दंत रोग, क्षय, चर्म नेत्र, हड्डी, डायबिटीज, कुष्ठ रोग, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की 4D स्क्रीनिंग मानसिक रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही इस मेले में रक्तदान, नेत्रदान, देहदान के भी शिविर लगाए गए थे। मेले में जैस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने नेत्रदान के फार्म व निजी चिकित्सकों व शासकीय कर्मचारियों ने भी रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। यहाँ की बीओमो मैडम, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के भी समस्त कार्यकर्ता बंधु, हमारी जितनी बहनें हैं यहाँ पर, आंगनवाड़ी की बहनें हैं और अपना स्वास्थ्य का चेकअप करने के लिए आए मेरे सभी इस क्षेत्र के साथीगण, आज का ये ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण कैंप है। इस कैंप की संरचना का उद्देश्य जो रहता है कि लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाए और लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में उनको कोई अगर बीमारी हो तो उसको परामर्श पूछताछ केंद्र के माध्यम से कहां सुलभ इलाज हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।